हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाजी ना, सभी का स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव जोरों शोरों से जो है शुरू हो चुका है। हम देख रहे हर घर तिरंगा लहरा रहा है, हर दुकानों पे, हर गलियों में, हर चौराहे पे, हर गाड़ियों पे तिरंगा लहरा रहा है। और यही हमारे मोदी जी का जो सपना था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनका ये संकल्प था कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, और उसी का पालन करते हुए आज हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें कुछ बातें तिरंगा के बारे में जान लेनी चाहिए, इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तिरंगा जो है वो हमारे देश की सिर्फ शान ही नहीं है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का प्रतीक है। और इसकी इज्जत, इसका सम्मान करना, कानूनन सम्मान करना, इसका जो है हमारा हम सबका, हम सब भारतीयों का फर्ज है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी जानकारी आपको दे, ताकि ये जो झंडा है हमारे, जो राष्ट्र ध्वज है, इसका अपमान ना हो। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो राष्ट्र ध्वज है, इसके तीन कलर होते हैं, तीनों कलर का अलग अलग मतलब है। जैसे कि सबसे पहले केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ये हमारे देश की पावर का, ये हमारे देश के जो बलिदान है उसका, ये उसको जो हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए, ये उनका प्रतीक है। तो ये इसके लिए यहाँ पे ये ऑरेंज कलर है। इसके बीच में जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर जो हमारे शांति समृद्धि और जिस तरह से बहुत सारे विविधताओं में जैसे हमारी अखंडता है, तो इस तरह से अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ में रहते हैं, तो ये शांति का प्रतीक जो है ये सफेद रंग दर्शाता है। साथ ही जो नीचे का जो रंग है, हरा रंग, ये हमारे प्रगति के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी खुशहाली के लिए जो है ये इस कलर का जो है ये प्रतीक माना जाता है। और जो बीच में अशोक चक्र है, ये इसको हम प्रगति चक्र भी बोल सकते हैं कि 24 घंटे जो है हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो इसलिए ये उसका प्रतीक मनाया गया। तो ये हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। अब इसका सबसे पहली बात यह है कि इसको हमको ना फेंकना है ना कर, जब भी आप इसको फहराएंगे, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब इसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट किया जाता है, जब इसको लहराया जाता है, तो सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से लेकर सनसेट तक का इसको रखना है, बाद में इसको नहीं निकालना है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ये अमृत महोत्सव है, तो इसके लिए मोदी जी ने 3 दिन का यहाँ पे दिया है। इसको कभी भी जमीन से लेके जो है यहाँ पे इसको नहीं रखना है, इसका हमेशा जो है सर ऊपर रहेगा, जैसे कि हम हमेशा लहराता हुआ रहेगा। इसको हम झुका हुआ नहीं रख सकते हैं, झुका हुआ नहीं रखते, इसको हमेशा जो है खड़ा रखे। जैसे मैं आपको बता दूं कि पीछे जैसे झंडा जो लगे हुए, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए, लेकिन अक्सर करके देखिए ये जैसे यहाँ पे लगाया है दोस्तों, ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है जिसको हम आड़ा करके लगाए। और अक्सर है ना, हम खास करके इसीलिए वीडियो बना रहे कि हर घर में, गलियों में, दुकानों पे जो है ऐसे आड़े करके जो झंडे लगाए जा रहे, ताकि ये लोगों को दिखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सही तरीका नहीं है, ये राष्ट्र ध्वज का एक अपमान है एक तरीके से। बहुत सारी गलियों में देखा, यहाँ पे जो लगाया हुआ है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम 3 बत्ती का मार्केट एरिया में जो लगाया गया था, तो वहां पे पूरा जो है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, पोल लगाने की चीजें, उसको आगे कर दिया, आड़ा कर दिया, तो ये ऑर्डर उसका गलत हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा जो झंडा है वो जमीन की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ है, जो कि नहीं रहना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए और हमेशा लहराता हुआ, मतलब क्या कैसा है कि ये इसका सर जो है आसमान की तरफ रहना चाहिए, ऑरेंज हमेशा ऊपर रहना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम देखेंगे किस तरह से लोगों ने लगाया पूरे भिवंडी शहर में। हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे
दोस्तों यहाँ पे जब भी आप इस झंडे को निकालोगे तो इसका सम्मान के साथ में इसको निकाले। 16 अगस्त को हमें गली नाले गटर कचरा कुंडी में ये झंडे नहीं दिखने चाहिए। इसका हर एक नागरिक, हर एक इंसान जो इसका ध्यान रखे, और अगर इस तरह से होता है तो वाकई में कानूनी कार्रवाई होगी और झंडे का अपमान तो होगा ही होगा। इसलिए जब आप इसको अपने घरों से निकाले भी तो बिल्कुल एहतियात के साथ, सम्मान के साथ इसको निकाल के जो है रखे, यही हम आपसे जो है विनंती करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आपका जो 15 अगस्त जो सेलिब्रेशन है, अमृत महोत्सव, ये बहुत ही जोर शोर से हर्ष उल्लास के साथ में गुजरे। इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस से, थैंक यू।